नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर पहुंचे सीएम भगवंत सिंह मान ने दसूहा हाजीपुर सड़क का नाम सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के नाम पर रखने का किया ऐलान। अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में दो पंजाबी युवकों की गोली मारकर की हत्या, अमेरिका पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। कपूरथला के गांव जलाल भुलाना के एक नौजवान की अमेरिका में हुई मौत, लुटेरों ने लूट की नीयत से की फायरिंग। और अब हलचल विस्तार से। राज्य की समृद्ध विरासत संबंधी नौजवान पीढ़ी को अवगत करवाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दसूहा हाजीपुर सड़क का नाम सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के नाम पर रखने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने महान योद्धा सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के 300वें जन्म दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे शूरवीरों की बहादुरी ने हमें देश के लिए हमेशा निस्वार्थ बलिदान करने के लिए प्रेरित किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है कि हम ऐसी शानदार विरासत के वारिस हैं जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं से एक एक पैसा वसूला जाएगा और इस पैसे का प्रयोग राज्य के विकास के लिए किया जाएगा। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। ये फैसला तुसी कर लो कि कॉलेज तुसी केड़े विषय ना संबंध ला कॉलेज बनाना है जा वैसे जनरल कॉलेज बनाना है तो इस इलाके एक कॉलेज जेड़ा है वो जरूर मिलना चाहिए है। बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की धरती है, इतों के बच्चे पढ़ लिख के तरक्कियां करन, साड़ियां भैणां साड़ियां बच्चियां नू दूर ना जाना पवे, इस करके पढ़ाई ना छड़नी पवे कि नेड़े कोई कॉलेज है नहीं। ये काम असी पंजाब नहीं होन देना, हुण असी कॉलेज देने स्कूल देने वधिया। तो एक दसूए तो हाजीपुर वाली जिहड़ी सड़क है उहदा नाम कागज पत्र सारे पूरे हो गए, उहदा नाम बाबा जस्सा सिंह रामगढ़ी दे नाम ते होंगे। बाकी जो लोकल तुसी कहने कि फार्मेसी नर्सिंग बीएससी ये जिहड़ियां उन्हें तुसी सानू पंचायत वालों मते पा के दे दिओ, तो जमीन सानू दस दिओ कि कित्थे किन्नी कु तुहाडे कोल जमीन है, उस हिसाब नाल असीं उहदा नक्शा बना लाँगे। तो इहनू हुण अगे तो पछड़िया हुआ इलाका नहीं कहना, इहनू पछड़िया हुआ इलाका नहीं कहना। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत कुदरत ने बहुत सोहना इलाका बनाया, इहनू आपां पछड़िया हुआ नहीं रहन देना। सो एक टूरिज़म दे विच भी बहुत वड्डा असी प्रोजैक्ट लेके आ रहे हैं, फिल्म सिटी भी बनूगा इस एरिए, बहुत सारे इस तरह के प्रोजैक्ट टूरिज़म नाल रिलेटड आउणगे। तुहाडे चों कोई भी बंदा बेरोज़गार नहीं रहेगा, इन्ना काम इत्थे अवेलेबल हो जूगा। सो जे लानेदार वधिया होवे तां घर चल पैंदा, जे लानेदार कर्जा लै लै के मोटरसाइकिल लैके दे जांदा मुंडे नूं, फिर तां घर एक दिन कर्जा ही होऊगा, तां रोटी पकड़ों हटूगी। सो आपां घर भी वधिया बनाउणा है, रोटी भी रसोई भी वधिया चलाउणी है पंजाब दी, ते नाल नाल घर तरक्की भी कराउणी है। इहदे वास्ते मैनूं थोड़ा सारिआं दा राजनीति ते धर्म तों उपर उठ के मैनूं सहयोग चाहीदा। मेरे कोई मामे दा मुंडा, मेरे चाचे दा मुंडा, मेरे मासे दा मुंडा कोई मैं माफिया नहीं बनाउणा। मैं तां सिर्फ जे ना तां मैं किसे रेते दीआं खड्डां 'च हिस्सा पाउणा है, ना मैं किसे क्रैशरां 'च हिस्सा पाउणा है, ना मैं किसे बस माफिया 'च हिस्सा पाउणा है, ना मैं किसी ढाबे च हिस्सा पाउणा है। मैं हिस्सा जरूर पाउणा है 3.5 करोड़ पंजाबियों के दुखां च सुखां च हिस्सा पाउणा। अमेरिका से सुबह एक बहुत ही दुखदाई घटना होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में एक शॉपिंग मॉल के बाहर दो पंजाबी नौजवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिला कपूरथला के ब्लॉक सुल्तानपुर लोधी के गांव विधिपुर के निवासी दिलराज सिंह और गुर इकबाल सिंह दोनों आपस में सगे भाई थे, जो अच्छे भविष्य की तलाश में अमेरिका में पिछले लंबे समय से
रह रहे थे। पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि दोनों भाइयों का कपूरथला के गांव के रहने वाले स्टोर पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा था, जिसके रंजिश के चलते उक्त व्यक्ति की ओर से अपने साथियों सहित कथित तौर पर पोर्टलैंड शहर में शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंचकर दोनों भाइयों पर लगभग दर्जनों गोलियां चला दी गई, जिस कारण दिलराज सिंह और गुरिकबाल सिंह दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं अमेरिका पुलिस ने आरोपियों को काबू कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं रणजीत सिंह पिंड विधिपुर साढ़े गुआंढ साढ़े विचों सरदार कश्मीर सिंह जी जिन्हों के दो लड़के दिलराजपाल सिंह ते गुरिकपाल सिंह अमरीका विच रहिंदे सीगे, उन्हां दा उत्थे काम बड़ा वधिया चलदा सी ते कुछ अज ही पता लगा भी उन्हां दा उत्थे भाईवाना नाल कोई मतभेद सीगे कोई लैण देण तों, ते उन्हां ने कल जिहड़ा उत्थे दिन सी उहदे हिसाब नाल 2:30 बजे ਉਹ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੁਆਰਾ ਸੀ, ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੜੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। जिला कपूरथला के अधीन आते गांव जलाल बुलाना के एक नौजवान की अमेरिका में मौत हो जाने की दुखदायी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक गैस स्टेशन के स्टोर पर काम करते समय लुटेरों द्वारा गोली मारकर उक्त नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसकी खौफनाक CCTV तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं इस घटना के बाद पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। पारिवारिक सदस्यों के अनुसार 30 वर्षीय नवजोत सिंह अभी कुंवारा था और शुरू से ही विदेश में सेटल होना चाहता था। लंबे समय से नवजोत विदेश जाने की कोशिशें कर रहा था और पिछले वर्ष ही वह अमेरिका गया था, जहां वह वाशिंगटन राज्य के वैंकूवर शहर में एक गैस स्टेशन के स्टोर पर पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। स्टोर पर काम करते समय लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए उसे गोली मार दी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विदेशों में घटित हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर गहरा दुख और चिंता प्रकट की है। इस दौरान संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने पंजाब की नौजवान पीढ़ी को हाथ जोड़कर यहीं पर अपने माता पिता के साथ रहकर काम करने और तरक्की करने की अपील की है। मेरा नाम भुपिंदर सिंह है जी, मेरा भतीजा अमरीका च वैनकूवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਰੋਬਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ 2022 'ਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਜੋ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਜੋਤ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਵਜੋਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, 3 ਟਰਾਈਆਂ ਭਾਵ 3 ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ। 4ਵੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਕੜਾਂ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਿਆ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ
ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ? ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। जालंधर छावनी के अधीन आते दीपनगर में प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पीवल की ओर से कई इलाका निवासियों को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की विधायक अनमोल गगनमान और वरिष्ठ नेता जगबीर सिंह बराड़ विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने इलाका निवासियों को आम आदमी पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर अमित बत्रा, सुमित साई, विक्की, सत्यनारायण राजकुमार, सतपाल, सोनू बत्रा, किरण देवी, परमेश्वरी देवी, वीरपाल कौर, रामकिशन, पूनम कल्पना, बबीता देवी, सुरेश कुमार, शिव शंकर दास, रानी देवी, वंदना रानी, विकास कुमार, पूजा, रमेश कुमार सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मैं किरणा देवी जी, मैं दीपनगर की रहने वाली हूँ जी। मैं अज आम पार्टी के शामिल हुई हाँ। मैं अज अजय भाजी शामिल हाँ। मैं अज कांग्रेस पार्टी को छड़ के आम आदमी पार्टी के ज्वाइन हुई है। मेरी जिन्नी भी वोट होगी, जिन्हें भी मेरे रिश्तेदार, मेरे भैन भरा की वोट सारी ही अजय भाजी को जाएगी। मैं अज धन्यवाद करूँगा जी राजविंदर कौर भैन का जी, रजिंदर सिंह सोढ़ी का जी और जगबीर सिंह बराड़ का जी, जिन्होंने साडे एक सेवा लगाई है वध तो वध परिवार वड्डा करन दी, जिच अज अमित बत्रा जी और किरण भैन का परिवार सारा अज असी आम आदमी पार्टी नाल जुड़िया और असी इस काम च वध तो वध वोटा पवा के आम आदमी पार्टी नूं सफल बनाना है। साडी मुहिम यही रहेगी और मैं भैणा तो भरावां नूं एक गल कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो कहंदी ओह करके दिखाएगी। पंजाब सरकार की ओर से 80 नए मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया गया। इस संबंधी मीडिया को जानकारी देते हुए SDM धूरी ने बताया कि तहसील धूरी में 3 और मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र धूरी में 2 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, जिसमें भलवान और मीमसा गांव शामिल हैं। SDM ने बताया कि इससे इलाका निवासियों को काफ़ी सुविधा होगी, दवाइयां और जांच मुफ्त होगी और ये क्लिनिक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा। तो वहीं गाँव वासियों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार की बहुत अच्छी पहल है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। आम आदमी क्लिनिक दे फेज 2 दे विच पूरे पंजाब दे विच जिहड़े 80 क्लिनिक ते जिहड़े धूरी तहसील दे विच 3 आम आदमी क्लिनिक जिहड़ा उन्हां दा शुरुआत कीती गई है। इहदे विच इलाके दे लोकां नूं बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, क्योंकि जो भी बेसिक टैसट और दवाइयाँ बिल्कुल ही मुफ्त और पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड स्टाफ जिहड़े है वह अपॉइंट किए गए हैं। और इस तों इलावा जो भी समस्या आती है, किसी नूं भी कोई BP की प्रॉब्लम है, कोई होर वायरल वगैरह, सारिया दवाइया और हर तरह का इलाज इतने बिल्कुल मुफ्त जिहड़ा मुहैया करवाया जाएगा। पहला 6 क्लीनिक चल रहे हैं जी, हूँ अज 3 होर का उद्घाटन हो रहा और उस तों इलावा जिहड़े फरदर होर भी होणगे उन्हां दा काम चल रहा डिस्पेंसरी। पंजाब सरकार का जो उपराला है बहुत ही शलाघायोग उपराला है। इस आम आदमी क्लीनिक विच OPD की जाऊगी तो 80 तरह दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी, तो नाल ही लैब टेस्ट वगैरह भी करवाए जाएंगे। मरीजों को 80 तरह की दवाइया दित्तियां जाएंगियां, लैब टेस्ट होंगे, सारे ही ममता दिवस वगैरह ज वैक्सीनेशन सारा कुछ होगा। 8 तो 2 आम आदमी पार्टी सरकार बनिया 1 साल हो गया। 1 साल के जेडे पंजाब के लोगों सत्ता में जाके वादे करे मान सरकार ने, वो कला वादा मानसा पूरा कर रहे हैं। अज 80 महला क्लीनिक पंजाब के लोगों को दिते आ, 500 पहला देते 580 जोड़े क्लीनिक खुल चुके हैं। 1 साल की समय की सरकार ने बहुत इतिहासिक फैसले करे जोड़े आम लोगों को फायदा करने वाले आ। पहली सरकार आ जिन्हें टोल प्लाजे बंद करने शुरू करे, पहली सरकार आ जिन्हें मुलाजमान देंशन चलवाइया जी 18-19 साल तो ला के बंद स। कोई ऐसा काम नहीं है जिहड़ा मान साहब ने पंजाब के लोगों का वादा करे भी वह ना पूरा होवे। आने वाले दिनों में जिहड़े वादे रहिंदे आ वो जल्दी पूरे होने नहीं। पंजाब दियां जिन्नियां सरकारां असीं चुणदे रहे वो लोग लास्ट दिनों में आके काम करते सीगे। पहली सरकार आ जिहड़ी स्टार्टिंग दे विच ही काम शुरू करते पंजाब दे लोगों नूं, ये बहुत वड्डा लोगों नूं फर्क दिख रहा। पहलवान है जी, की कहना चाहुंदे अज इत्थे उद्घाटन कीता? अज असीं सानूं बहुत खुशी है जदों साडी सरकार जिहड़ी आम आदमी पार्टी दी मुख्यमंत्री पंजाब ने साडा पिंड चुनिया, उहदा ब्लाक है चुनन दा उहदा फर्ज भी बनदा सी।
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਕੋ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਜੌਲੀਆ ਗਾਓਂ ਮੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने अगले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 16 मई को एसएसपी कार्यालय संगरूर में अनिश्चितकाल के लिए स्थायी मार्च निकाला जाएगा। धरने के दौरान उन्होंने कहा कि गलत नीतियों के कारण देश का अन्नदाता पहले से ही आत्महत्या की राह पर है। दूसरी ओर भू माफिया और सूदखोरों ने किसानों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। गांव जोलिया के किसान अवतार सिंह को एक सूदखोर व माफिया ने सोची समझी साजिश के तहत मारपीट कर अगवा कर लिया था, जिसका पूरा गांव गवाह है। और आरोपियों ने धोखे से उक्त किसान की जमीन अपने नाम करवा ली, जबकि किसान के पास केवल 12-13 बीघा जमीन थी। तो वहीं भवानीगढ़ पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण करने आए दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार व किसानों के खिलाफ कागजी कार्रवाई कर दी। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द आरोपियों पर मामला दर्ज कर सख्त सजा दी जाए और उक्त किसान की जमीन उसे वापस दिलाई जाए ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इतिहासकारों की माने तो भारत ही अकेला ऐसा देश है जहां बहुत से धार्मिक स्थान और हर एक धार्मिक स्थान के साथ कोई ना कोई इतिहास जरूर जुड़ा हुआ है। इसी के तहत हम आपको उस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसकी नींव वर्ष 1938 में रखी गई थी और 1942 में इस मंदिर का पूर्ण तौर पर निर्माण हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपूरथला के गाँव खेड़ा दोना के प्राचीन खेड़ा मंदिर की। लगभग 80 वर्ष से अधिक पुराने इस मंदिर में बहुत ही दिलचस्प और मनमोहक दृश्य नज़र आते हैं और कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिनके दर्शन कर भक्त खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। इस मंदिर में विष्णु भगवान जी के 24 अवतारों में 10 अवतारों की मूर्तियां इस जगह स्थापित हैं और इन मूर्तियों में खास बात ये है कि इनमें उन अवतारों की भी मूर्तियाँ हैं जिनका कलयुग को लेकर इतिहास में जिक्र किया गया है, जिसे हम कल्कि अवतार कहते हैं। इससे भी खास बात इस मंदिर की ये है कि इस मंदिर में विष्णु भगवान जी की एक ऐसी मूर्ति है जो सिर्फ पूरे भारतवर्ष में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के बाद इस मंदिर में स्थापित है। मंदिर के सेवादार और इस स्थान पर नतमस्तक होने वाले भक्तों का मानना है कि जो कोई भी भक्त अपने सच्चे मन से कोई भी मुराद यहाँ लेकर आता है तो भगवान उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो वही भक्तों का यह भी दावा है कि कलयुग के अंत से पहले इस जगह पर कल्कि अवतार जरूर दर्शन देंगे। अज आप खड़े हाँ महाविष्णु जी दरबार के जो कि निष्कल जिन्हों का नाम निष्कलंक महाताम विष्णुपुरी खेड़ा मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण सन 1938 शुरू किया और 42 कंप्लीट हो गया सगा, जेदा कि एक किट गंगा जल न धो के राम राम का नाँ लैके और अंग्रेजी अक्षर कढ के इत्थे लगी हुई है। इत्थे जिहड़ी मेन प्रतिमा महाविष्णु जी लेटे हुए शीर सागर दे विच ते उन्हां दे चरण द्वारे लक्ष्मी जी, एक तरफ ब्रह्मा जी एक तरफ शंकर जी और इत्थे राधा कृष्ण जी, वेद व्यास जी, श्रीमद भागवत महापुराण, हनुमान जी, राम दरबार और गरुड़ भगवान जी आ। बाकी दे दर्शन जिहड़े आ उपर आ जिन्हां दे आपां बाद विच उन्हां दे जानकारी दित्ती जाऊगी। इस दे उत्ते जी तुहानू जिहड़ी प्राचीन प्रतिमा आ उह हैगी आ जी लक्ष्मी नारायण, जिन्हां नू सत नारायण भी कहिंदे आ, ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी जी और शिव परिवार जो कि प्राचीन आ, जिन्हां दी स्थापना पहलो मंदिर बनन दे समय हुई सीगी और जिहड़ी हुण 2005 दे विच स्थापना हुई आ 10 अवतार आ जिहदे विच मच्छ, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बोधा इत्थे तक स्थापना जिहड़ी आ हुई आ और जिहड़ी हुण जिहड़ा ये अवतार हो चुके आ जिहड़े हुण अवतार होणे आ कलगीधर जी उन्हां दी वी उत्थे स्थापना आ। जिहड़ा एंट्रेंस ते मंदिर आ उह हैगा भगवती कमला देवी दा, जिन्हां दा जन्म इसे स्थान दे उत्ते
पंडित किशन चंद जी के घर होया। 9 साल की अवस्था में उस जगह के उत्ते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिते और परिवार भी उन्होंने एक साधारण जिहा रूप समझ बैठे सीगे, पर जदों इस मंदिर नूं शुरू किया 1938 च और मंदिर कंप्लीट होने वाला सी, उत्ते वाली बुरजी जिहड़ी आ बार बार गिर जांदी सी, फिर सारिया के मन च विच प्रश्न आए कि क्यों गिर रही आ। फिर आकाशवाणी हुई और स्वप्न आए कि सब तो पहलों माता का मंदिर बनूगा, फिर ये कंप्लीट होगा। उस तो बाद सब तो पहलों कमला देवी का मंदिर बनया और फिर यह मंदिर बनया। हुण इत्थे दी मानता उदों ही बन गई सी कि सब तो पहलों कमला देवी जी के दर्शन करते भक्त जन, फिर इधर करते आरती विच भी आउंदा प्रथम तुम्हारी पूजा फिर बाकी सब की तप सेवक को प्राप्त सहज हरी भक्ति। गुरुद्वारा तप स्थान बाबा हुंदाल चंडियाला गुरु में गुरु बाबा हुंदाल जी का प्रकाश पर्व बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम 2 दिन से रखे गए श्री गुरु अखंड पाठ साहिब जी के 13 अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए, जिसके पश्चात सबके भले के लिए अरदास की गई। इस दौरान ढाडी जत्थों कविश्रियों और श्री दरबार साहिब के रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस अवसर पर परम सेवक संत बाबा परमानंद जी ने उपस्थित संगत को संदेश दिया कि हम सबको अपने महापुरुषों के पवित्र त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाने चाहिए। तो वहीं इस अवसर पर देश विदेश से आई संगतें गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुई और पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वरताया गया। चंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लख खुशियां पासाई सतगुरु ना दर करे। अज सुमेर संगतां नूं देशां परदेशां विच तां तां श्री गुरु बाबा अमरदास जी का जन्म दिहाड़े दीआं लख लख वधाइयां होण जी। जिन्हां दे दिहाड़े नूं मुख रखदे हां बेअंत श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश होए हन, जिन्हां दे भोग पै रहे हन, सारियां साध संगत नूं लख लख वधाई होए जी। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी। जालंधर के वार्ड नंबर 70 के अधीन आते रामनगर में अकाली दल बसपा की एक संयुक्त मीटिंग की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर पंजाब बसपा के चीफ जसबीर सिंह विशेष रूप से शामिल हुए और लोगों से अकाली दल बसपा के संयुक्त उम्मीदवार को वोट डालने की अपील की। इस अवसर पर जसपाल सोडी, राजकमल, बलवीर सिंह कैंथ, विनोद कुमार, मनजीत लाल, क्रांति, रविकांत, विकास कुमार बिंदर सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। सिद्धार्थ ग्रोवर जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सिद्धार्थ ग्रोवर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पत्नी उषा ग्रोवर, बेटा कुणाल ग्रोवर, बहू मोनिका ग्रोवर सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सिद्धार्थ ग्रोवर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एडवोकेट हरप्रीत सिंह आजाद के ससुर सरबजीत सिंह, जिनका आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया।
इस अवसर पर स्वर्गीय सरबजीत सिंह को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे ने दी। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सरबजीत सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। होशियारपुर पहुंचे सीएम भगवंत सिंह मान ने दसूहा हाजीपुर सड़क का नाम सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के नाम पर रखने का किया ऐलान। अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में दो पंजाबी युवकों की गोली मारकर की हत्या, अमेरिका पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। कपूरथला के गांव जलाल भुलाना के एक नौजवान की अमेरिका में हुई मौत, लुटेरों ने लूट की नियत से की फायरिंग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।